अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इस्लामिक तालीम के साथ? तो उठाएं अपना फ़ोन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल हयाल अल-फलाह किड्स, जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 2D और 3D एनिमेशन के साथ। MLC चुनाव के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर सिवान शहर दहल उठा है। इस बार मामला शहर में हो रहे रूटीन हत्याओं से इतर काफी हाई प्रोफाइल है। MLC के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान ने दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के लाडले उसामा शहाब समेत अन्य के विरुद्ध हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुवल स्थित SH-89 पर हुए गोलीबारी कांड में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में हुसैनगंज थाना को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि राजनीतिक द्वेष के कारण साजिशकर्ता प्रतापपुर गांव निवासी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब, सराय ओपी के चाप गांव निवासी मोहम्मद आफताब, नगर थाना क्षेत्र के नया किला नवलपुर निवासी गुड्डू मियां उर्फ गुड्डू पिस्टल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरमा गांव निवासी पूर्व मुखिया साबिर मियां, MH नगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा निवासी सह शेखपुरा पंचायत के मुखिया पति डब्लू खान, महुवल गांव निवासी आजाद अंसारी, महुवल निवासी आसिफ सिद्दीकी व यूपी के मऊ जिला निवासी मोनू सिंह उर्फ चवन्नी सिंह द्वारा जान लेने की नीयत से मेरे व मेरे काफिले के ऊपर हमला करवाया गया। सिवान पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए सूक्ष्मता पूर्वक अनुसंधान का जिम्मा सिवान सदर SDPO जितेंद्र पांडे को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त विवरण के मुताबिक इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश के लिए जिले के कई तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारियों समेत SIT टीम को भी लगाया गया है। इस संदर्भ में पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दर्ज कांड के हरेक पहलू पर बारीकी पूर्वक अनुसंधान जारी रखते हुए प्राथमिकी के सभी आरोपितों का आपराधिक इतिहास विभिन्न थानों के डोसियर सूची से संबंधित SHO से मांगी गई है, ताकि अनुसंधान को और तीव्र रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि दर्ज कांड के सूचक को न्याय देना पहली प्राथमिकता होगी। सिवान में सोमवार को करीब 4 बजे MLC चुनाव प्रशासनिक चाक चौबंद के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ ही था कि देर रात्रि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुवल गांव के समीप रईस खान के काफिले पर गोलीबारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। प्राप्त सूचना के मुताबिक MLC प्रत्याशी रईस खान सिवान शहर के पुरानी किला अवस्थित अपने कार्यालय से वाहनों का काफिला लेकर अपने पैतृक गांव ग्यासपुर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अत्याधुनिक हथियारों से लैस घात लगाए बैठे शातिर बदमाशों द्वारा उनके काफिले पर तबाह तोड़ फायरिंग कर दी गई थी। इसमें बारात से लौट रहे बुलोरो सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र निवासी हरिचरण यादव के पुत्र विनोद यादव के रूप में की गई है, जबकि सिसवन गांव के ही धर्मेंद्र यादव, सोनू अंसारी, राकेश तिवारी व उनकी पत्नी इंदु देवी घायल हो गए। साथ ही साथ रईस खान के 2 समर्थक गोली लगने से घायल हैं, जिनकी पहचान MH नगर थाना क्षेत्र के बबलू खान, सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के फूलन खान के रूप में हुई है। घटना के बाद समूचे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सिवान शहर से लेकर संबंधित थाना तक पुलिस कप्तान शैलेश कुमार की गाड़ियां गोपनीय ढंग से रात भर सड़कों पर सरपट दौड़ती रही। उधर घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई छोटे बड़े नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की टोली निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान का कुशल क्षेम जानने के लिए हॉस्पिटल में उपस्थित रही। मौजूद लोग मन ही मन घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाते रहे, लेकिन इस मसले पर सोमवार की मध्य रात्रि तक किसी ने कुछ खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी।
अगली सुबह बढ़रिया के जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का अचानक एक आक्रोशपूर्ण बयान आने के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। मंगलवार को अचानक एमएलसी पद के प्रत्याशी रईस खान का आगमन सिवान शहर स्थित अपने कार्यालय पर हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों के दिशा निर्देश के आलोक में हुसैनगंज थाना अध्यक्ष राम बालक यादव, सराय ओपी प्रभारी तनवीर आलम समेत कई पुलिस पदाधिकारी रईस खान के कार्यालय में पहुंचे तथा उनसे गोपनीय ढंग से वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उपस्थित कई लोगों के हाथों में सेलफोन के चमकते वीडियो कैमरे के कारण पुलिस पदाधिकारी सही ढंग से वार्तालाप नहीं कर सके और उन्हें आंशिक जानकारी ही मिल पाई। इसी क्रम में रईस खान ने एक लिखित आवेदन हुसैनगंज थाना अध्यक्ष राम बालक यादव को सौंप दिया। आवेदन प्राप्त होने के बाद हुसैनगंज थाना अध्यक्ष ने इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारियों को दी। प्राप्त आवेदन का अध्ययन पुलिस जगत के वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर बारीकी पूर्वक अनुसंधान करने की बात कही गई। बहरहाल मामला चाहे जो हो, सोमवार की देर रात्रि रईस खान के काफिले पर हुए अंधाधुंध फायरिंग को लेकर सिवान पुलिस मामले का पटाक्षेप करने के लिए कमर कस चुकी है।